नमस्कार दोस्तों, हम इंडियन लोग बहुत दिन पहले से ही चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बातें कर रहे थे, और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन आया है तब से चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट करने की बातें और भी ज़्यादा जोर शोर से उठ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये काम अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की ओर से ही था। अब यहाँ पर कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया है बॉयकॉट चाइना मूवमेंट की। तो दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु और आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था, इसको देखते हुए गवर्नमेंट की कंपनी बीएसएनएल के द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात यहां पर किया गया है। यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट से मतलब है चाइनीज इक्विपमेंट्स, जो कि बीएसएनएल अपने नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए यूज में लाएगा। दोस्तों, बीएसएनएल के तरफ से पूरी इंडिया में 4G नेटवर्क एक्सपांड करने के लिए एक टेंडर निकाला गया था, और उस टेंडर को जीता था सेंजन की एक कंपनी ZTE। दोस्तों, ये कंपनी चाइनीज कंपनी है, और जो घटना पिछले दिनों घटा है इसको देखते हुए बीएसएनएल के तरफ से इस कंपनी के पास जो टेंडर अलॉट हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया है। और इसको जानने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसके बारे में जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगा। हालांकि अभी तक हम लोग बीएसएनएल के ज़्यादातर इलाके में 4G यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हुआ, और भी 3 या 4 महीने लगेगा या फिर 6 महीने लगेगा, उसके बाद तो 4G आ ही जाएगा, क्योंकि एक कंपनी नहीं तो दूसरे कंपनी के साथ भी बीएसएनएल टाइप करके अपना 4G नेटवर्क सेटअप कर ही लेगा। लेकिन अगर हम लोग चाइनीज कंपनी को इन्हीं तरीके से बॉयकॉट करते हैं तो बहुत ही बड़ा एक प्राउड वाला या फिर बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट वाला फीलिंग हम लोगों के पास आएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये तो गया सरकारी कंपनी, अब उम्मीद यही किया जा रहा है कि इंडिया के जितने सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर के नाम जो के हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन दोनों के तरफ से भी ZTE के साथ कुछ का टाइप किया गया था। और उम्मीद यही किया जा रहा है कि जितने सारे सर्कलों में ये टाइप किया गया था उनको भी रद्द कर दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता या फिर आगे आने वाले समय में। खैर, इसके बारे में पुष्टि हो जाएगा ऐसा उम्मीद हम लोगों को है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल सिर्फ अपने ओर से ही ये काम किए हैं, बीएसएनएल को भी पता है कि आज के दिन में हमारी देश की क्या सेंटिमेंट है, तो इसको कैटर करने के लिए बीएसएनएल ने यह इनिशिएटिव लिया है। अब अगर ये जो प्राइवेट कंपनी है इन लोगों को भी देश की सेंटिमेंट की चिंता है, तो शायद ये कंपनी भी चाइनीज कंपनी को बॉयकॉट करेगा या फिर चाइनीज कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको बॉयकॉट करने के लिए तैयार हो जाएगा। खैर, देखना होगा कि ये सारी कंपनी क्या करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं और एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है जियो। आप लोगों को सभी को पता है, और अगर पता नहीं है तो मैं दोबारा आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूं कि जियो के तरफ से कहा गया है कि उनके नेटवर्क में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है, और 5G के लिए जियो जो नेटवर्क तैयार कर रहा है या फिर कर चुका है उसमें भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया है, 100% चाइना लेस प्रोडक्ट यूज किया गया है। इसके बारे में कंफर्मेशन जियो के जो हेड है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने कहा है। दोस्तों, जियो के तरफ से कहा गया है कि उनके 5G नेटवर्क के लिए सैमसंग कंपनी को चुना गया है, और सैमसंग कंपनी के द्वारा ही जियो के नेटवर्क को बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है। अब दोस्तों, ये तो गया टेलीकॉम सेक्टर के रिलेटेड बात है, लेकिन क्या इंडिया में सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम ही एकमात्र सेक्टर है? मुझे उम्मीद है कि इंडिया में जितने सारे और सेक्टर है वहां पर भी चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की या फिर चाइनीज प्रोडक्ट ना लेने की बात अब उठना चालू हो जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इंडिया के दो दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी, एक है मारुति सुजुकी और दूसरा है बजाज, इनके तरफ से कहा गया है कि चाइनीज प्रोडक्ट अगर उन लोगों के कंपनी में नहीं आते हैं तो उन लोगों के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा और दाम भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, आपको और हमको सोचना है कि क्या हम लोग दाम थोड़ा कम करने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट को अलाउ करना चाहेंगे या फिर नहीं। इसके बारे में बजाज और मारुति सुजुकी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी अपील किया गया है कि चाइनीज प्रोडक्ट को आने दिया जाए, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से या फिर मुझे लगता है कि अभी चाइनीज प्रोडक्ट को आने नहीं देना चाहिए।
क्योंकि अगर चाइनीज प्रोडक्ट नहीं आते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड तो रहेगा ही, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया में ही प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके ऊपर आप लोगों को क्या क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों शायद अब समय आ गया है कि एंटी चाइना या फिर बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को और ज्यादा जोर शोर से पुश करने की, और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आप लोग भी अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुयायी काम करेंगे। दोस्तों जाते जाते और भी एक बात मैं BSNL के तरफ से आप लोगों को साथ शेयर कर दूं। BSNL को नोकिया के तरफ से एक ऑफर आया है जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अब दोस्तों BSNL के तरफ से ये कहना है कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट तो एकदम ही यूज़ करना बंद कर देंगे, अब कोशिश करेंगे कि इंडिया में बने या फिर इंडियन कंपनी के द्वारा जो भी इक्विपमेंट्स बने उसको यूज़ करें। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है तो हम दूसरे किसी भी देश की कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। खैर दोस्तों देखना होगा कि इसके ऊपर बाकी और कितने कंपनी इस लाइन को टो करते हैं या फिर इस लाइन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये तो आगे आने वाले समय में पता ही चल जाएगा हमको और आपको सभी को। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।